हापुड़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने बीजेपी विधायक के चचेरे भाई को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मीनाक्षी रोड का है, जहां बीजेपी के सदर विधायक विजय पाल का चचेरा भाई सुमित सब्जी बेचने का काम करता है। आरोप है कि सुमित की सब्जी खरीदने को लेकर दबंग से कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग ने सुमित को गोली मार दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सब्जी लेना आए थे, पी रखी थी इन्होंने, फ्री की सब्जी मांग रखी थी मुझसे। ठीक है, बस फिर घंटा घंटा हुई थे, शाम को आए थे। अब पहले डंडा मारा उन्होंने मेरा सिर में, फिर गोली मारी भागते रहे। अच्छा, तो गोली कहाँ लगी आपको? शाम में लगी थी। घटना हुई है, वो लड़का ऐसा सिंपल सोवर है, इसका कोई ना दुश्मनी है, कोई कुछ नहीं है, ना परिवार की दुश्मनी है, सिंपल कोई वो कोई दिक्कत नहीं है, सादा है, बिल्कुल सिंपल है, परिवार पूरा है, पूरा ठीक है ना साहब। क्या हुआ था मामला? कुछ नहीं, सुबह इसने सब्जी बेची, सब्जी बेचता है लड़का, और सब्जी बेचता अपना पेट पालता है, और उसके बाद कोई लड़का आया था, कोई आदमी आया था जो 45 साल का 30 साल का लड़का है, उसने ये कहा कि भाई इतने इस भाव की मुझे सब्जी चाहिए। उसने ये कहा कि नहीं, इस भाव की नहीं, भाई इस भाव की बेचता हूँ मैं। नहीं नहीं, इस भाव की बेचेगा, इस भाव की तू बेचेगा। उसके बाद उसने कहा नहीं साहब, इस भाव की नहीं बेचता मैं, उसके बाद मैं तुझे शाम को देखूँगा मैं। तो उसके बाद इसने शाम को आके उसने क्या करा क्या नहीं करा, उसने जो उसके सिर पर डंडा मारा, उसके फायर मारी, उसके जो पैर पर गोली लगी हुई है, और यहाँ अस्पताल में हम लोग हैं, सब पूरे क्षेत्र लोग हैं। दोपहर में मंडी में दो लड़के आए हुए थे सब्जी खरीदने, और कुछ खरीदने को लेकर के उनका विवाद हुआ था ठेले वाले से, और ठेले वाले ने उन्हें धक्का उक्का दे के भगा दिया था। तो वो लोग क्योंकि दो ही थे और ठेले वाले कई हो गए, तो वो चले गए थे। शाम अभी एक डेढ़ घंटे पहले ही दो लोग आए गाड़ी से, और उन्होंने अचानक उसी ठेले वाले को, जिससे 4:30 बजे कुछ लफड़ा हुआ था, उसको डंडे से मारा, और दूसरा जो बैठा हुआ था उसने फायर कर दिया, गोली उसके पैर में लगी है, और ठीक है, हॉस्पिटलाइज कर दिया गया उसको, नॉर्मल है, और अब शांति है, और हम लोग मिलजुल जुड़ेंगे जल्द पकड़ेंगे। तो विधायक का चचेरा भाई बताया जा रहा है, विधायक जी से मेरी बात हुई, विधायक जी का ये कहना है कि मेरा खास था, और कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, ना कोई मेरा सगा है, लेकिन वो अपना खास बता रहे हैं।